देखिए, मैं अमित शाह जी की बात को ब्रह्म वाक्य मान लूं। मैं सदन में बैठा हुआ था, मैं ऑल पार्टी मीटिंग मैंने अटेंड किया, हमने कुछ सुझाव और सलाह दिए थे, उस पर तो कोई अमल नहीं। ऊपर से प्रधानमंत्री जी की चुप्पी लगातार 3 महीने से ज्यादा हो गए, किसको बरगला रहे हैं आप जी? क्यों मुगालते में रह रहे हैं और देश को रख रहे हैं? मणिपुर जल पड़ा है, जल चुका है लगभग, खाइयां इतनी बड़ी बड़ी हैं समुदायों के बीच में, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, एक फोर्स दूसरे फोर्स से लड़ रही है, तब भी कहते हैं कि मैं अब आज क्यों नहीं? नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां हो रहा, पीएम रहेंगे, बाकी मिनिस्टर रहेंगे, एचएम शुड बी ही हो, आप आज कर देते, कल कर लीजिए। ये मैं समझता हूं ना, भ्रांति की राजनीति का अवसान होना चाहिए। देश को आप भ्रांति में लगातार रख रहे हैं। सर, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की हिंसा की जांच के लिए कई एसआईटीज बना दी हैं, पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता में महिला संबंधी जो अपराध हुआ है उसकी जांच के लिए भी बना दी है कमेटी, आयोग बना दिया है, तो उस पर आपका क्या? देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना, अब एकमात्र न्याय और शांति की उम्मीद हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, ना मणिपुर की सरकार ना केंद्र की सरकार, जिस वक्त इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ये अनुपस्थित रहे, मिसिंग लिंक है ये। इसलिए एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय की दखलंदाजी और पहलकदमी से शायद शांति और न्याय का रास्ता बहाल हो पाए।